हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी अंतरा बुक, जो आपका फर्स्ट अध्याय है देवसेना का गीत। इस चैप्टर को हम लोग स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस अध्याय में देवसेना अपने दुखों के बारे में वर्णन कर रही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण से उसका सारा परिवार मारा गया एवं देवसेना अकेले बच गई। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, परंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की पुत्री को चाहता था। जब देवसेना बूढ़ी हो गई, तब स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम दिनों में उससे विवाह करना चाहता था। देवसेना उसे मना कर देती है और अपने भावनाओं को दबाकर यह गीत पीड़ा में गाती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकुरियों को भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वरता अनंत अंगड़ाई। आज के इस अंतिम समय में प्रेम निवेदन को ठुकराना बहुत ही कष्ट देने वाला है। प्रेम के भ्रम में उसने अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं को लुटा दिया है स्कंदगुप्त को मना करके। वह कहती है उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है, अर्थात वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। वह कहती है पूरे जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथ था।